हे वेलकम टू गाइस इन जी बी गेमर बैंक। मैं बोल रहा हूँ आपका होस्ट हाँ महमूद। तो दोस्तों आज मैं पबजी मोबाइल पर गेम प्ले लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम चिकन डिनर करने वाले हैं पबजी मोबाइल का। स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड मोड है ये। और ये हो गई हमारी गेम स्टार्ट। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जीबी गेमर बैंक को। ये रेड कलर का नीचे बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करें एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट गेम प्ले या वीडियो आपको पता लगता रहे। ये हो चुकी है हमारी अमेरिका की फ़्लाइट तैयार। अब इसको क्या मसला है। हम उतरने वाले हैं कंटेनर्स पर। वैसे काफ़ी बंदे होते हैं कंटेनर्स पे। देखते हैं क्या बनता है हमारा। मेरा पूरा स्क्वाड तो लैदा ही चला गया। वैसे ये स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड तो नहीं, सोलो वर्सेस स्क्वाड ही बनेगा फिर तो। वो शूटिंग रेंज में जा रही है वैसे। चलो कोई नहीं मसला, शेर अकेला ही जाता है। हाँ तो भाई चिकन डिनर करके रहना जो मर्जी हो जाए। चलो भाई सीधा ऊपर, ये लो कर लो। ओ भाग यारा, गलत जगह पे उतर गया। ऊपर से ना खतरा वैसे बड़ा होता है। चलो यार गन तो मिल गई ना एक। अरे गन है इसकी, स्नाइपिंग बंदा करे ना 6x का लंज लगा के, फिर शूटिंग इसकी कमाल की होती है। और जो मेरी फेवरेट गन है ना उसमें है UMP, मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ जो UMP है। और एक और है यार, वो उसका नाम मुझे सही तरह अब याद नहीं है। M416 जिस तरह ना उस तरह की है, पर उसका नाम M1416 है, पता नहीं क्या इस तरह का अजीब सही नाम है। वैसे कभी मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। वो भी काफ़ी अच्छी गन है, उस पर मैं लगाता हूँ 4x या 6x का लेंस लगाता हूँ। तो फिर एक तो ना पिंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेवल 3 का बैग भी मिल गया, 4x लेंस आ गया। वैसे यार कंटेनर्स पे कोई बंदा नहीं आया इस दफ़ा। मैं जब भी आऊँ ना यार इस कंटेनर्स पे तो ज़्यादातर यार बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं, या तो मर के मार ही जाता हूँ या किसी को मार देता हूँ। ये मिल गया UMP। UMP जो है ना शूटिंग के लिए बहुत अच्छी गन है। अगर कोई बंदा बिल्कुल आपके पास हो ना तो उसकी जो है ना बिल्कुल ग्रिप जो अच्छी है गन की। बहुत गन होती हैं जो आप शूटिंग जब करते हैं ना वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये है इसका गन, आवाज़ भी बहुत थोड़ी है बाकी गन्स की नस्बत। इस पर सिलेंसर वगैरह लग जाता है फिर आवाज़ बिल्कुल ही सही हो जाती है। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है जिस हिसाब से वो खेलता है। चलो भाई भाग 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 भाग। आज यार वैसे ना चिकन डिनर करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए भाई। सर्कल भी इधर का ही है भाई, ये भी ठीक हो गया। वैसे किस्मत साथ दे रही है।
वो आ गया भाई, आ गया आ गया। चल चल चल, उतनी गोलियां यार मार ही नहीं रहा है वो, मार ही गया। और पूरी मैगजीन खत्म हो गई इस पे। AM416 है, इस तरह की एक और गन है वो, बड़े अच्छी गन है। अब वो अगर आई फिर मैं दिखाऊंगा। तो गाइस मुझे बताएं कि मैं खाली पबजी के गेम प्ले करूं या किसी और गेम के भी करूं। वैसे मैं 8 बापूल और क्लैश ऑफ क्लैन एंड पबजी वगैरह सारी गेम्स खेलता हूं। ये भी अच्छी गन है स्कॉर्ल, इसकी मुझे ना M416 ना मुझे सही चलाई नहीं जाती है, मुझे वैसे ही नहीं वो अच्छी लगती है जो पहले उठाई थी M416। ये 9M इसकी 6.62 की गोलियां जो हैं, 7.62 सॉरी। वैसे सिर्फ एक ही बंदा आया कंटेनर्स पे, इसके अलावा ना अभी तक तो कोई बंदा नहीं आया है इस पे। एक कैम आ गई है, एक कैम है, मुझे चलाई नहीं जाती है, उसकी ग्रिप ही नहीं अच्छी है, बिल्कुल मुझे बकवास लगती है वैसे। UMP पे मैं जाना ज़्यादातर रेड डॉट या वो हेलोजन जो भी है वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि रेड इसकी जो UMP की है ना दूर की रेंज नहीं है, UMP की जो है पास के बंदे मारती है। इसको कभी भी ना बंदा स्नाइपिंग के तौर पर ना यूज़ करे, स्नाइपिंग में ये बहुत ख़राब है UMP। स्नाइपिंग में आप ज़्यादातर यूज़ करें तो कार 98 अच्छी है स्नाइपिंग में, और इसके अलावा है जो वो जो पहले मैंने पकड़ी थी SKR, पता नहीं इस तरह का नाम है उसका, वो एक अच्छी है। एक और है उसकी 20 मैगजीन की जो है गोलियाँ, वो भी अच्छी है, जो है ना वो पम्प एक्शन की तरह की गन, जो वो ज़्यादातर बेस्ट रहती है। कार 98 बेस्ट है वैसे, कार 98 के साथ जो है ना तकरीबन Level 2 की भी अगर जैकेट पहनी हुई हो ना बंदे ने, तकरीबन एक गोली से बंदा मार जाता है उसके साथ, नॉकआउट हो जाता है। इसलिए कार 98 अगर मिले ना, वैसे मुझे इतना ना ये मशीन गन्स यूज़ करने का मुझे इधर है, स्नाइपिंग मैं इतनी ही नहीं करता। स्नाइपिंग अगर ज़रूरत पड़ भी जाए फिर मैं स्कार वगैरह या जो है ना वो बड़ी गन उनमें से यूज़ कर लेता हूँ। UMP जो है कभी भी बंदा स्नाइपिंग के तौर पर ना यूज़ करे, इस पर बड़ा लेंस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह इसकी ना रेंज जो है कम है, और ऊपर से ना इसका ये ऑटो फायरिंग है इसकी जो है ना स्कार वगैरह। एक बंदा हमेशा ये याद रखेंगे, अगर दोनों ही अगर बंदा ऑटो गन या मशीन गन रखे ना तो कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। बंदे ने अगर कॉम्बिनेशन करना है, एक ले मशीन गन ऑटो गन जो है, और एक ले कोई दूसरी गन। अब मेरे पास जो है ना एक और भी कॉम्बिनेशन अच्छा गन्स का जो है वो है कार 98 का, और या स्कार लो जाए या M416 हो जाए, इनमें से ये जो जो गन है इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। या किस्मत वैसे बहुत चल रही है, सर्कल जो है ना हर बार इधर ही बन रहा है, सर्कल की तो टेंशन है कोई नहीं वैसे। अब चलते हैं वो हमारे दूसरे साथी के पास, अगर वो जिंदा रहा। वैसे दो तो मर गए हैं यार, कोई बंदा नहीं दिख रहा है इधर मुझे ना, अभी तक तो कोई बंदा दिखा नहीं है वैसे, बात का पता कोई नहीं, एक ही बंदा अभी तक मारा है वैसे। वैसे जो मेरा बेस्ट किल्स का रिकॉर्ड है वो है 22 का, वो PC पर मैंने टेंसेंट के ऑफिशियल वो जो है गेमिंग बड़ी उस पर मैंने 22 जो है ना किल्स किए थे। वैसे मोबाइल पर मेरे 17 किल्स हैं जो मैक्सिमम है, और आप भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने वैसे मैक्सिमम कितने किल्स किए हैं। PC पर मैंने फिर बताता हूँ, PC पर मैंने वो जो है
टेंसेंट गेमिंग बड़ी, उस पर मैंने 22 जो है ना बंदे मारे थे। मोबाइल पे मैंने फिर 17 ही मारे हुए अभी तक। बंदा ही नहीं कोई दिख रहा है। वैसे मैं उतरा भी इसीलिए कंटेनर्स पे था, उधर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं, उधर सिर्फ दिखा ही एक बंदा। मैं इसीलिए उधर वेट करके आया हूँ कि शायद उसका कोई साथी वगैरह हो ना, वो सामने आ जाए। ये लो एक और मर गया, नंबर 3 ने एक और को मार दिया। वैसे हम अब 2 ही रह गए हैं, उनका कोई फ़ायदा तो हुआ कौन स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का। शुरू में मर गए थे, अब ये रहा जो मेरा है साथी। अरे भाई उठा ले उठा ले उठा ले, मेरे यार काम की कोई चीज़ ही नहीं है वैसे। फैन यार ये मुझे बताना ज़रूर कि कौन कौन सी गेम के गेम प्ले करूँ, तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम से फिर आपको। मैंने बताया मैं 8 बार पूल, क्लैश ऑफ क्लैन और काफ़ी वैसे गेम्स खेलता हूँ। और बता देना मैं फिर वो कोई न्यू गेम वो भी स्टार्ट कर लूँगा, तो उसका कोई मसला नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, मैं अपनी फेवरेट गाने फेंकनी है। UMP उठा, चल यार वैसे वो भी ठीक ही है, चल छोड़। ये वाली गन कर रहा था, M164 है ये, काफ़ी अच्छी गन है यार। UMP की यार मेरे पास उसकी गोलियाँ ही नहीं थी इसलिए मैंने वो फेंक दी है। M164A है इसका नाम। इसकी जो है ना इसकी भी शूटिंग है, जिस पे लेंस भी बंदा जोन समझ लगा लेता है, इस पर ब्रस्ट ऑटो दोनों हो जाते हैं, ब्रस्ट और सिंगल शॉट दोनों इस पे सेट हो जाती हैं। वैसे ये जो है ना स्नाइपर मुझे मिली है, वैसे ना इसकी रेंज थोड़ी सी कम है, वैसे अच्छी है इसकी भी ना शूटिंग। इसका यार 9 mm की इसमें गोलियां डलती हैं। उसके बाद मैंने वो UMP भी इसलिए फेंकी है ना, उसमें भी 9 mm की, इसकी भी 9 mm की है, इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट किया कि अगर एक की गोलियां ख़त्म हो जाए ना तो दोनों की ना ख़त्म हो, एक की अभी गोलियाँ हों। अब इस तरह के ये M164 जो है इसके 5.56 की जो है बुलेट इसके अंदर डलती हैं। अगर ख़त्म भी हो जाएंगी, मेरे पास अभी स्नाइपर होगी, मुझे पता होगा मेरे पास स्नाइपर भी पड़ी है। अगर मेरे पास दोनों ही 9 mm की बुलेट्स होंगी तो एक ही ख़त्म होंगी, मुझे ये वाला दोनों की अगर ख़त्म होगी, दोनों की इकट्ठी ख़त्म होंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा उसके बाद। और जो गेम स्टार्ट करते हैं ना, अगर आपको कोई ग्रेनेड वगैरह जनरेट मिलते हैं या कोई ग्रेनेड स्मोकिंग मिलते हैं, स्मोकिंग ग्रेनेड और स्टंट ग्रेनेड मिलते हैं, वो लाजमी उठा लिया करें, एक एक दो दो। और ये जो है एक बोतल सी होती है उसको तो लाजमी उठाया करें ना, वो काफ़ी काम आती है। एक तरह है ना, एक दिन मैं इस तरह गेम प्ले कर रहा है ना, एक घर के इर्द गिर्द सिर्फ सर्कल बन गया, बाकी ना बिल्कुल सिर्फ एक घर रह गया था लास्ट वाला, तो उधर वो 1 vs 1 का ही रह गया था, वो भी अकेला था, मैं भी अकेला ही था। उस टाइम हुआ क्या, अब वो अंदर जाके छुप गया, उसको पता था कि अभी सर्कल अगर और छोटा हुआ कोई और मसला बना, इसने बाहर ही इसने मारी है ना, तो बिल्कुल घर के साथ साथ आ गया था, उसने अंदर ही छुप गया, वो बाहर निकले ही ना। अब मैं भी अंदर जा नहीं सकता था, उसका पता नहीं कहाँ पे था, मुझे ये भी नहीं पता था। अब हुआ क्या, मैंने किया क्या, मेरे पास एक पड़ी थी बोतल, तो वो घर के अंदर ना ऊपर वाले कमरे में ना मैंने उसे थोड़ा सा ना उसको देख लिया। अब मैं अंदर जाता वो अलर्ट हो गया था, वो भी अलर्ट था, उसको पता था कि अब अकेला ये इस तरफ से ही आएगा अगर आएगा। तो मैंने किया क्या, मैंने वही जो है ना आग वाली बोतल सी होती है वही मैंने ना मारी उस खिड़की के अंदर से, वो अच्छा खासा भाग गया, तकरीबन नीचे वाले फ्लोर तक गया, पर ना वो उसकी आग नहीं है उसको हटी है, वो साथ ही मार गया था। इस तरह मुझे चिकन डिनर वो भी मिल गया था, तो काफ़ी इजी है वैसे वो भी, उसका काफ़ी आसानी हो जाती है उसकी भी। हम सेंटर ऑफ सर्कल हैं, सर्कल के सेंटर में हैं बिल्कुल।
बंदा कोई नहीं दिखा है अभी तक तो ना। मैंने तो अभी रिकॉर्ड बना दिया भैया, एक बंदा मारा है अभी तक। ये कोई दिख ही नहीं रहा है वैसे तो। जब गेम प्ले बनाना स्टार्ट करते हैं उस टाइम कोई बंदा ही नहीं दिखता है, या तो खुद ही मार जाते हैं या तो गेम प्ले ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं आता है। अब देखना कोई बंदा ही नहीं आना है इस गेम में भी, यही होगा। इस तरह के जो गार होते हैं ना इस पर ज़्यादा मसला होता है, बताऊँ क्यों। अब वो जिस तरह पीछे था एक पहाड़, वो आ गया, वो कोई आया कोई आया कोई आया, और मेरे साथी ने किल कर देनी है इसकी। वो दो 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 बंदे हैं, दो 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 दो। अभी मुझे एक ही दिखा है, वो भी पता नहीं कहाँ पे चले गए। इस तरह के हो ना बंदा एक जगह पे ना आराम से बैठ जाए, या तो क्राउच में चले या तो आराम से बैठ जाए। वो दो हैं दो हैं दो हैं। ये तो गया भाई, गया 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 गया। ओह शिट, ये तो गया। अब दूसरे को देखें, ये तो हो गया नॉकआउट। उसको देखें वो कहाँ पे गया। अगर उसने इसको आगे हील कर दिया ना फिर काम खराब होने, इसको मार ही दें इससे पहले कि वो इसको आगे हील करे। देख लेना एक बार इसके साथी, अगर उसको बचाने आता है। बेवफा साथी है भाई, भाग गया। वो इधर 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 मुझे लगा फिर आया इधर ही। मार यार इसको बस, कोई नहीं आ रहा है, वो हो रहा है भैया। आई एम सॉरी भी बहुत बहुत, और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आ गया, चल भाई तू कहाँ पे जा रहा है, तू कहाँ पे जा रहा है, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। उसको पता ही नहीं लगा है, काम उसके देख लो भाई। इधर हो इधर हो इधर हो, बच के भाग रहा है यार। और ये पता नहीं क्या सोच के भाग रहा है वैसे। ले थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप फिर भाग भाग के मेरे पास ही आ रहे हैं। यार ये रिपोर्ट भी नहीं था इसके पास, अच्छी खासी गंद भी थी, फिर भी इसने देखा नहीं है। इसका साथी उधर मारा है, इसको इतना भी नहीं पता लगा है कि उधर कोई है। फिर उधर ही जा रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर वापस जा रहा है। इससे ना मुझे लगता है उसके पास गंद नहीं थी। अभी चेक करता हूँ, क्योंकि ना वो अपने साथी के जो है ना गन्स वगैरह उठाने जा रहा था मुझे लगता है। और तो कोई उसका काम है नहीं था, वरना तो उसने अच्छे खासे मुझे बुलेट्स मार देनी थी। बिल्कुल सामने था मैं उसके, टोमी गाना इसीलिए, या तो मेरा साथी उठा के ले। दो गन्स तो आया थी वैसे, हाँ वैसे उसके पास गन्स ही नहीं थी अच्छी, कोई रोबोट ही था कोई। अरे ना सर्कल अगर इधर ही बन गया ना तो काफ़ी कमाल की जगह। वैसे ये भी एक इस बेस पे नुकसान पे भी है, नुकसान भी है इस घर में। मैंने बताया ना पिछली जो विंडो है ना, मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट, मैं साइड पे थोड़ा सा देख लूँ कोई आ तो नहीं रहा, फिर आपको मैं दिखाता हूँ इस घर में नुकसान क्या है इसका। ये देखे ना, अब ये है सामने पहाड़, और हमारी जो विंडो है बिल्कुल पहाड़ से बराबर है। इसीलिए हम जब स्नाइपिंग करते हैं ना तो ज़्यादातर या लेट जाते हैं या फिर कहते हैं किसी घर के अंदर छुप जाते हैं विंडो में। तो इस पोजीशन में, इस उसमें सिचुएशन में हम घर के अंदर लेट के स्नाइपिंग नहीं कर सकते हैं, हमें बैठ कर भी नहीं, खड़े होकर ही करनी पड़ती है। देखें बैठ के किए तो वो सामने विंडो आ जाती है। और दूसरी पोजीशन जो सिचुएशन है वो है सामने पहाड़, पहाड़ से अगर किसी के पास 8x या 6x लेंस होगा ना, वो सीधा हमारे विंडो के अगर हम खड़े भी हो ना, उसे साफ साफ दिखे ना, उसने सीधा हेडशॉट कर देना। अभी तक मेरे सिर्फ 3 किल्स हुई हैं और भी 17 बाकी रह गई हैं। वे यार इस गेम में मुझे कोई बंदा ही नहीं दिख रहा है।
मैं भी इस गेम में अभी न्यू ही हूँ, मुझे भी इतना ख़ास पता कोई नहीं है इस गेम का। अभी मेरा तकरीबन 29 या 30 मेरा होगा इसमें लेवल, तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, 17 मैंने किल्स किए, इतना मैं भी प्लेयर कोई नहीं वैसे। अभी शायद आपने मुझसे ज़्यादा ही की हूँ, 25-30 शायद। पीसी में जो है बहुत इजी होती है खेलनी, मसलन के उसमें आप टेंसेंट गेमिंग बड़ी जो है पीसी में अगर खेलनी हो वो यूज़ होता है उसमें। अगर आप खेलते हैं ना वो आपके हार्डवेयर को स्कैन कर लेते हैं, और आप अगर उस पर एमुलेटर पर खेल रहे हो ना तो आपके जो ओपोनेंट होते हैं वो भी एमुलेटर होते हैं, इसलिए जो कंपटीशन होता है वो ज़रा लेवल का ही हो जाता है। इस तरह नहीं कि बाकी मोबाइल पर खेल रहे हैं कि आप अगर पीसी पर खेल रहे हैं तो पीसी पे इजी होगा, नहीं इस तरह नहीं है। अगर आप एमुलेटर पे खेल रहे हैं तो एमुलेटर के साथ ही आपको वर्सेस होगा। एक सिचुएशन है कि आप अगर पीसी पर खेलें और आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो जो आपके जो एनिमीज हैं वो मोबाइल पर हों, वो इस तरह होगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड मोबाइल पर खेल रहे ना उसे कहें वो आपको इनवाइट करे, अगर वो आपको इनवाइट करेगा तो गेम ईजी हो जाएगी। तो आप पीसी पर होंगे जो आपके एनिमीज एंड फ्रेंड्स वगैरह वो सारे मोबाइल्स पर होंगे, इस तरह उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा आपको मारना, पर आपके लिए इजी हो जाएगा पीसी पर उनको मारना, क्योंकि पीसी पर एम वगैरह बिल्कुल सही हो जाती है। और उसके बाद बंदा इसको कौन देख गया है, मुझे लगता है वैसे ही गोली चलाई है, वैसे ही नॉकआउट तो कोई हुआ नहीं है इधर, कोई ना फुटस्टेप मुझे दिखे हैं। वैसे सर्कल के चांसेस आते ना इधर ही हैं, सर्कल शायद इधर ही बने हैं, अब कंफर्म नहीं कह सकते कि सर्कल इधर ही है, क्योंकि यार कोई पता नहीं होता सर्कल का कब कहाँ पे चला जाता है। वैसे यार रेड डॉट मिल जाए ना उसकी शूटिंग अच्छी है, रेड डॉट अच्छा ये है, दूसरा होलो पता नहीं क्या है ना, मैच से शुरू होता है इसका भी, पर जो रेड डॉट है उसका अच्छा ज़रा एम मुझे लगता है उसका ज़रा बेहतर है इससे। तो आप बताना कमेंट में ज़रूर कि आपने आपको कौन कौन सा लेंस जो अच्छा लगता है और कौन कौन सी गन्स अच्छी लगती हैं, कॉम्बिनेशन कौन कौन सा आपका है। मेरा तो UMP है और M164A जो अब यूज़ कर रहा हूँ। UMP की मेरे पास बुलेट्स थोड़ी थी इसलिए मुझे फेंकनी पड़ी है, और स्नाइपिंग के लिए गन चाहिए थी, स्नाइपिंग के लिए कोई अच्छा लेंस नहीं मिला फिर इसलिए मैंने स्नाइपर उठा ली। अगर लेंस मिल जाता तो मैं फिर इस पर M164A पर लगा लेता। फ्रेंड अगर आपने पबजी मोबाइल अभी तक ट्राई नहीं की तो लाजमी ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छी गेम है, 2 GB रैम पर चल जाती है, ये मिनिमम 2 GB रैम होना चाहिए मोबाइल का। ओ सर्कल अब ख़त्म होगा, हमें आगे जाना पड़ना है, चलो कोई नहीं मसला, लेट्स गो। आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अब सर्कल बिल्कुल छोटा सा रह गया, 10 बंदे हैं अभी, इधर कंपटीशन काफ़ी अच्छा है। वैसे यार किल्स नहीं मिली इसका दुख हो रहा है, मैं तो जहाँ पर भी गया हूँ भागता ही रहा हूँ, वैसे स्नाइपिंग के लिए उधर खड़ा हुआ था सर्कल बनने के चांसेस थे, वरना तो मैं कभी स्नाइप इस तरह छुप के ना मज़ा नहीं आता है गेम का, ज़्यादातर ओपन में ना स्नाइपिंग का मज़ा आता है, इस तरह बंदा लेट के मारे ना फिर ज़्यादा इसमें घास वगैरह में लेट जाए या किसी पौधे में छुप के मारे ना उसका अलग ही मज़ा है। वन 170 मीटर रह गया बाकी, अब कोई इधर आ ना जाए, 8 बंदे रह गए, 8 में से 2 हम हैं, पीछे 6 बंदे रह गए हैं। वैसे इतना मुश्किल कोई नहीं है, अगर थोड़ी सी ट्राई मारे, चिकन डिनर फिर हमारा है, लेंस स्कोप्स वगैरह सारा कुछ हमारे पास है, चिकन डिनर तो भाई करना ही करना है। चिकन डिनर के लिए तो गेम प्ले किया, भाई मुझे मार देना, मेरे साथी को ना मारना बस, ठीक है ना। सामने यार बहुत 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 बुरी सिचुएशन में फंस गए हम, स्नाइपिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, जैसे अगर 2 गज में भी अगर 2 स्नाइपर बैठे हो ना तो हम जहाँ पर भी जाएँ ना वो छोड़ेगा नहीं, वैसे हमें इतनी पक्की गारंटी है।
पीछे से ना कोई आ जाए, वैसे चांसेस तो ज़्यादा आगे कहीं आगे बहुत ज़्यादा घर हैं, और सर्कल अभी इतना है कि सारे घर सर्कल के अंदर आ सकते हैं। वो जा रहा है मुजाहिद बन के, अब बचने तो नहीं लगा है वैसे। इस ब्लू लाइन की तो डर कोई नहीं है, सर्कल के अंदर ही है वो, देना मार ही ना जाए। लाजमी उधर वैसे स्नाइपर तो लाजमी बैठे होंगे ना, सीधा हो इसकी कमर ही आकड़ गई भाई। लेट आ रहा है भाई तू, ओ यार सर्कल बहुत बुरी जगह पे जा रहे हैं। वैसे इधर स्नाइपर जरूर बैठे होंगे, वो मीनार पे यार अक्सर काफी बंदे होते हैं। वो ड्रॉप आ गया, ड्रॉप सप्लाई गिर गई है, वो गाड़ी गई है, गाड़ी गई है, गाड़ी गई है, गाड़ी गई है, दिख गई, दिख गई, दिख गई मुझे। अब गाड़ी में लाजमी दो बंदे होंगे, या तो पूरा स्क्वाड होगा, स्क्वाड ही मुझे लगता होगा, एक स्क्वाड होगा और एक ड्यू का होगा। फुल स्क्वाड को मारना ज़रा मुश्किल है, ड्यू को फिर भी ज़रा इजी होगा, और यह किसी को भी काम में नहीं लेना चाहिए। अब सर्कल अभी भी आगे है, कुछ भी हो सकता है। अब ये कहाँ पे जा रहा है, मरेगा यार, बहुत बुरी जगह पे जा रहा है। वो सेंटर ऑफ सर्कल के अंदर जा रहा है, उधर से बिल्कुल सेंटर में। ये सिचुएशन जो है ना बहुत ख़राब होती है, जहाँ से ये जा रहा है सर्कल ऊपर से बहुत छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा है। अब यार उसके लिए गया, अभी इस घर के अंदर जो है ना जहाँ से आए ना उधर से कोई है था, अभी भी ये छुप सकता है, अगर छुप सके, पावर अभी भी इसकी है। हो गया, वो पागल है यार, उसी टाइम में अगर दीवार के पीछे होता अच्छी खासी उसकी जान बच गई, वो सीधा फिर आगे भाग रहा है सर्कल के अंदर जाना है। सर्कल भी कौन सा भाग रहा है, अभी सर्कल उधर ही है, अभी 24 सेकेंड भी पड़े हैं। हेल्प हेल्प अब लगा, चलो देखते हैं अगर वो बचता है। मुझे यार वैसे उधर यार सप्लाई भी गिरी हुई है, वो मुझे लगता है सप्लाई पे जा रहा था सब उठाने। अब मैं तो नहीं उधर जाता, लग गया वो वैसे ही, उधर जाके मौत को मुंह लगाने वाली बात थी। चलो हम आगे चलते हैं, वैसे मेरा दिल आगे चले वैसे। कोई फायदा नहीं, इधर 1 मिनट के अंदर अंदर बंदा मार जाना है। यार पीछे सर्कल भी आ गया, सर्कल से बाहर ऊपर से गोलियां इतनी चल रही हैं। भाग 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 भाग, अब पीछे रह गए 6 बंदे। यार मेरा तो मार गया साथी, यार मुझे ही मारने हैं। अच्छा प्लेयर निकला यार मेरा, वो वैसे ना मेरे पीछे पीछे आ रहा था, अब उसने ना मुझे लगता है सप्लाई देख के आगे भाग गया, शुरू से मेरे पीछे पीछे ही रहा है। चिकन डिनर तो खाना ही खाना है। चलो 1 वर्सेस 6 है अभी, वो आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया। मैं इस घर के अंदर फंस गया हूँ, वे सर्कल बनने के चांसेस इधर ही हैं। वो आ गया, वो आ गया, वो एक तो गया भाई, वो हो किस्मत देखो, अभी नहीं उठाना। एक और है इधर, उठा ले उठा ले। एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया यार। अभी यार इस बहुत बुरी जगह पर फंस गया हूँ मैं, चिकन डिनर मेरा ये पीछे 1 वर्सेस 4 रह गया है। चिकन डिनर चिकन डिनर जो आ गया, आ गया, आ गया। कोई 2 3 बंदे हैं इधर, अब उसको भी पता लग गया होगा कि मैं इधर ही हूँ। वैसे वैसे चांसेस ये भी हैं उसको शायद ना भी पता लगा, उसको इस तरह होगा कि इस स्नाइपर ने विंडो के साथ मारा है इसको। अब एक तो ये रहा है, वो भाग गया ही यार।
वो इस घर के अंदर गया मुझे लगता है। तीन वो एक तो विंडो के ऊपर 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 दिखा मुझे ग्रेनेड। ये इसलिए काम आते हैं ग्रेनेड, इसीलिए मैंने आपको कहा था ना ग्रेनेड लाजमी उठाया करें, ग्रेनेड के ये फायदे हैं। और ये भी नहीं सही बन रहा है, ये गया। बच गया मुझे लगता है, बच गया बच गया। एक और ट्राई, अरे अभी भी मुझे लगता है वो बाहर आ गया है। अब 1 vs 4 है, ये भी गया गया गया। इसको छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। ये भी गया नॉकआउट 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 नॉकआउट। ये तो गया। अब रह गया है 1 vs 3। अब एक और आ गया घर के अंदर, आ गया आ गया आ गया। आवाज़ आ रही है इसकी, मैंने हैंडफ्री लगाई हुई है ज़रा, गेम की आवाज़ इसलिए बंद की हुई है कि मेरी आवाज़ आती रहे आपके पास। आ गया आ गया आ गया आ गया। ये भी अच्छा आ गया, इसकी वो लाइट सी बंद हो गई है बॉक्स की। चल बच्चे अब 1 vs 2, अब ज़रा कंपटीशन टाइट हो गया। ये और है वो, एक और दिख गया दिख गया दिख गया। मेरे पास यार बॉम्ब खत्म हो गए यार, ये काम खराब हुआ है ना। स्टन ग्रेनेड जो है ना इसलिए यूज होता है कि आप किसी को स्टन कर दें, मसलन के अगर वो आपकी तरफ देख रहा है ना, या फिर आपकी तरफ नहीं देख रहा, उसका फोकस अगर आपकी तरफ है, आप स्टन ग्रेनेड को ना उसकी बैक साइड पे या किसी और डायरेक्शन में ना फेंक दें, जिससे उसको इस तरह लगेगा कि उसके पीछे कोई है, उसको फायर मार रहा है, इस तरह कुछ हो रहा है। इसका ये फ़ायदा। अब मुझे यार इस तरह मसला है ना, अगर वो दिख गया, वो दिख गया भाग रहा है और जंप लगा लगा के जाग रहा है यार। मैं 1 vs 2 1 vs 2। कोई नहीं कोई नहीं, चिकन डिनर अपना ही है। अरे चिकन डिनर नहीं छोड़ना है, जो मर्जी हो जाए। नेट वैसे बड़ा स्लो चल रहा है आज मेरा, पिंग काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। अभी वैसे ठीक है। वो सर्कल अगले घर में चलते हैं, मुझे लगता है इधर कोई नहीं है, देख लें एक बार विंडो। यार वैसे ना है तो अंदर ही से। चल कोई नहीं, सर्कल ने मार देना, वरना उठ के भाग 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 भाग। चलो यार 6 किल तो हो गए ना, 0 से तो बेहतर ही हो गया। 5M 4 3 2 1। वैसे हम सर्कल के अंदर आ गए हैं, पिंग्स बस ठीक रहे हैं अभी। वाओ ओ यार ये क्या हुआ है? ओ शिट यार, यहाँ पीछे में हुए, एक द्वार से गोली लग गई है, द्वार के अंदर से। यार ये कोई बात है यार, मैंने नहीं खेलनी यार, छोड़ो यार। अब बस ना मुझे इसलिए बहुत गु़स्सा आ रहा है अभी, ये पबजी यार मेरे साथ बहुत चीटिंग करती है। चलो ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको किस तरह की वीडियो लगे मुझे ज़रूर बताना, एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।